हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु। आप देख रहे हैं अनुज रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज हम फ्रूट सैंडविच बनाएंगे। ये क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोज़ के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और जो छोटू सा बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रूट सैंडविच बनाने के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, दो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं जिसके किनारे मैंने काट कर अलग कर दिए हैं, थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप लिया है। आप इसकी जगह मेयोनीज या फिर चीज स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। मैं टोमेटो केचप यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है हर किसी के पास। थोड़ा सा मैं चॉकलेट सिरप यूज़ कर रही हूँ सिर्फ सजाने के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने एक ब्रेड स्लाइस पर टोमेटो केचप लगाते हैं, अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसकी जगह आप मेयोनीज या चीज़ स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं, बस ये इजीली अवेलेबल होता है इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हर किसी के पास ये जल्दी से मिल जाता है। टोमेटो केचप हमने लगा लिया है। अब हम अपनी ब्रेड स्लाइस को एक तरफ रखेंगे और एक फॉइल पेपर मैंने अपनी ब्रेड स्लाइस के नाप का काटा हुआ है इसको यहाँ पर लगा लेंगे और इसके ऊपर हम अपने फ्रूट्स अरेंज करेंगे। आप कोई भी फ्रूट किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फ्रूट्स अरेंज कर लिए हैं। अब हमारा जो ब्रेड स्लाइस था जिसमें हमने टोमेटो केचप लगाया था इसको हम इस तरीके से इस पर लगाएंगे, बैक तरफ से इसको इस पर अरेंज करेंगे अच्छी तरह से और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और जो फ्रूट्स अलग से हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हम साइड से कट कर देंगे। इन फ्रूट्स को हम अलग निकाल देंगे। अब हम एक और प्लेट लेंगे, इस प्लेट को इसके ऊपर इस तरह से कवर करेंगे और इसको इस तरह से हम फ्लिप कर देंगे। और अब हम इसको ऊपर से हटाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसको सजाएंगे थोड़ा सा, इस पर हम कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों की पसंद से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हम अपने दोनों सैंडविच तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने दोनों सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं। ये कितने सुंदर हैं और कितनी क्विक रेसिपी है ना, ये कितनी प्यारे लग रहे हैं, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, फ्रूट सैंडविच बन करके तैयार हैं, बहुत ही सुंदर फ्रूट सैंडविच बने हैं। आप इनको बनाइए, खाइए और आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू, बाय।